एक बूढ़े बैल ने बताया कि इन तीन लोगों का पैसा कभी मत खाना, और यदि इन तीन लोगों का पैसा आपने खाया तो आपको उसे चुकाने के लिए गधा, कुत्ता, ऊंट या बैल बनकर के चुकाना पड़ सकता है, कुछ भी बनना पड़ सकता है। ये ईश्वरीय शाश्वत विधान है, जैसा आप कर्म करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। आप किसी की उधारी नहीं चुकाओगे तो वास्तविकता में आपको वो उधारी चुकानी जरूर पड़ेगी। ये नहीं कि आप किसी का पैसा खा करके मन में सोच लें कि मैं ताकतवर हूं और ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आप सबके ऊपर एक ऐसा न्यायाधीश बैठा हुआ है, उसके दरबार में ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई जैक जुगाड़ चलता है और ना कोई दबंगई चलती है। वहां निष्पक्ष न्याय किया जाता है। जब आप उस दरबार में जाएंगे तो आपको वहां वो पैसा चुकाना पड़ेगा, और फिर वहां चुकाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आपने जिस व्यक्ति का जैसा धन खाया है आपको उसी तरीके से वो धन चुकाना पड़ेगा। मान लो आपने किसी मजदूर का पैसा खाया, जो एक मजदूर है, सिर पर बोझा ढोकर के पैसे कमाता है, और उसका पैसा आपने उधार लिया और आप उसे चुका नहीं पाए, तो ये याद रखना कि आपको निश्चित गधा बनकर के उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, या बैल बनकर के उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, या ऊंट बनकर के उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन कर्जा कभी भी किसी का मारा नहीं जाता, चाहे आपको कई जन्म धारण क्यों ना करने पड़ जाएं, लेकिन जब तक आपने जिससे कर्ज लिया है उसका कर्जा चुकता नहीं कर देते, आप उसके कर्जदार रहेंगे, और आप पर जैसे जैसे समय निकलेगा ब्याज बढ़ता चला जाएगा, और जितना ब्याज होगा उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको उस पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। यह बिल्कुल 100% सत्य बात कह रहा हूं। आइए इसको समझने के लिए आपको एक बड़ी ही अद्भुत और रोचक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन समय की बात है कि एक लखीमपुर नामक शहर था, और उस लखीमपुर नामक शहर में एक लाखा सेठ रहा करते थे। देखिए श्रोताओं, सेठ बड़े पैसे वाले थे, आई गई का कोई भी हिसाब नहीं था। इतनी अकूत धन संपत्ति सेठ जी के पास मौजूद थी। तो उस सेठ ने एक नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति उनसे कर्जा ले जा सकता है, और कर्जा भी दो तरीके का देते थे वो, एक तो वर्तमान जन्म के लिए, इस जन्म के लिए, और दूसरे तरीके का अगले जन्म के लिए। चाहे तो कोई अगले जन्म के लिए कर्जा ले जा, और चाहे इसी जन्म के लिए कर्जा ले जा। तो श्रोताओं, सेठ की बड़ी ख्याति थी, सब दुनिया सेठ को जानती थी। जिसके पास कुछ भी कमी पड़ती, जो जिस वस्तु की आवश्यकता होती उसी के लिए धन लेने वो सेठ के पास पहुंच जाती। और सेठ भी बड़ा उदार हृदय था, उसने दो चार पांच मुनीम इसी कार्य के लिए बैठा रखे थे कि जो भी कोई पैसे लेने आए उसे पैसे दिए जाएं, कोई भी मेरे दरवाजे से निराश नहीं जाए। अब देखिए श्रोताओं, किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे, दोनों की दोनों कोई काम नहीं करते थे। जुआ, सट्टा और बेईमानी करना उनका काम था। काम करने के लिए तो वो कभी जाते ही नहीं थे, काम करना ही नहीं चाहते थे। बीसों नाखूनों की कमाई से कभी भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब उनके मन में विचार आया, दोनों आपस में बतराए कि यार ऐसा करते हैं, लखीमपुर का जो सेठ है लाखा, वो पैसे देता है, कर्ज देता है और अगले जन्म के लिए देता है, तो क्यों ना उस सेठ के पास चले।
और उससे कर्ज ले ले, और कम से कम 5-5 लाख रुपए लेकर के आएंगे ताकि हमारी 10-5 साल बड़े आराम से निकल जाएंगी। दोनों दोस्तों ने विचार किया। विचार करने के बाद दोनों घर से फरार थे, घर वाले उनकी कोई चिंता नहीं करते थे, आवारा थे, तो दोनों चल देते हैं। चलते चलते पैदल का जमाना था, दोनों लखीमपुर आ जाते हैं और लखीमपुर आकर के सेठ के पास पहुंच जाते हैं। सेठ से कहने लगे, सेठ जी बड़ी गरीबी चल रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पैसों की आवश्यकता है। सेठ कहने लगे, भैया जितने चाहिए उतने रुपए ले जाओ, तुम घबराओ मत, बताओ कितने रुपए चाहिए। अब सेठ की बात सुनकर के वो दोनों कहने लगे कि देखो देखो सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए पैसे नहीं चाहिए, हम तो अगले जन्म में पैसे देंगे आपके। सेठ जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, लेकिन दुख मत पाइए, आप मेरे पास से पैसे ले जा सकते हैं, मैं अगले जन्म के लिए भी पैसे देता हूं। तो बताइए कितने कितने पैसे दे दिए जाए तुम्हें। तो सेठ के कहने से दोनों मन में विचार करने लगे और कहने लगे कि सेठ जी 5-5 लाख रुपए हम दोनों को दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे कि मुनीम जी इन दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दीजिए। मुनीम ने सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 5-5 लाख रुपए समार दिए। 5-5 लाख रुपयों को लेकर के अपने पॉकेट में रखकर, अपने जेब में रखकर के दोनों चल देते हैं। कहने लगे, यार मौज हो गई, बहुत बढ़िया है, अब हमें देने तो है ही नहीं, अगले जन्म की गई, इस जन्म में तो हम बड़े आनंद से रहेंगे और अगला जन्म देखा भी किसने है। ये दोनों मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं, क्या होता है अगला जन्म ये सोच रहे हैं। श्रोताओं, अब ध्यान देने की बात यह है कि पैदल का समय था, कोई भान नहीं थे कि सीधे अपने घर आ जाएं। रास्ते में उनको रात्रि हो जाती है। अब किसी गांव में वो निकले तो गांव में उन्होंने रुकने की कोशिश की, परंतु किसी ने नहीं रोका, क्योंकि वो देखने से ऐसे लग रहे थे कि दोनों बदमाश हो, और उनको ये डर सता रहा था कि उनके पास रुपए हैं, कोई रुपयों को नहीं खुसा ले, इसलिए दोनों रुकना भी जरूरी था, रुकने की सोच रहे थे। तो गांव से बाहर एक तेली का घर था। दोनों उस तेली से कहने लगे कि भैया हम तेरे यहां रुकना चाहते हैं, रात्रि निकालेंगे और सुबह चले जाएंगे। भाई हम तेरी रोटी पानी तो खाएंगे नहीं, हमें तो सोने के लिए बिस्तर या एक खाट दे दीजिए। तेली कहने लगा, देखो भाई मेरे पास यहां एक खाट है, मैं घर चला जाऊंगा और तुम मेरे 2 बैल और 1 भैंसा बंधा हुआ है, जिसको पड़ा कहते हैं या पड्डा कहते हैं, 1 पड्डा और 2 बैल बंधे हुए हैं, इन दोनों की रखवाली कर लेना और आराम से सो जाओ। तो श्रोताओं, वो दोनों उस तेली के बाड़े में रुक जाते हैं। श्रोताओं, जब दोनों मित्र उस तेली के घर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं तेली के बाड़े में, और तेली अपने घर को चला जाता है, तो देखिए आगे क्या होता है। तेली की खाट पर दोनों सो जाते हैं, परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों के पास पैसे थे और उन्हें डर लग रहा था कि कोई पैसे छीन ना ले जाए, इसलिए दोनों जगे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी रात्रि के 12 बजे जो भैंसा बंध रहा था, वो भैंसा उस बैल से कहने लगा कि बैल कि हाँ भाई बोलो, सो रहे हो या जग रहे हो? कि भाई जग रहा हूं। तो भैया देख, मेरा तुम्हारा आज तक का साथ था, काफी समय हम तुम एक साथ रहे, और अब मैं कल सुबह चला जाऊंगा। बैल बोला, क्या कह रहे हो तुम? कि हाँ, इस तेली से मैंने एक कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैं चुका नहीं पाया, तो देखिए मुझे इस तेली के यहां भैंसा बनना पड़ा और इसने कोड़े मार मार कर मुझसे 1-1 पैसे की वसूली, ब्याज का भी ब्याज लगा कर की है, 1000 गुना पैसों की वसूली की है, और अब मेरा जो कर्ज था वो बिल्कुल चुक चुका है, मैं फ्री हो गया हूं कर्जा से, और प्रातःकाल मैं तेली की एक सानी खाऊंगा,
चारा खाऊंगा, और चारा खाने के बाद मैं भैया फ्री हो गया और मैं यहां से चला जाऊंगा, ये शरीर छोड़ दूंगा। बैल कहने लगा कि यार बात तो तेरी ठीक है, कल वैसे मैं भी चलूंगा, यदि तू 2-3-4 घंटे रुक जाए तो भैया मैं भी कर्जा से फ्री हो गया, मुझे इसकी एक घानी पीसनी है। घानी तेली जो गट्ट चलाता था, कोलू चलाता था, इसके कोलू को 2 घंटे चलाना है, और 2 घंटे चलाने के बाद ये एक कसाई आएगा, और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपए चाहिए थे, मेरे पैसे हैं, और वो मुझे खरीदेगा। खरीदेगा तो ये तेली उन पैसों को ले लेगा, और पैसे जैसे ही तेली लेगा तो मैं कर्जा से, ये तेली का कर्जा है मुझ पर, उससे फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी इस तेली से कर्जा लिया था, मैंने इसका पूरा कर्जा चुका दिया है, क्योंकि कुछ तो इसने मुझे काम करा के, यानी इसका जो कोलू चलाया था उससे चुक गए, और शेष बचे हुए पैसे वो कसाई दे जाएगा, और मैं भैया थोड़ी दूर कसाई के साथ चलूंगा और मैं मर जाऊंगा। ये बात जब उन दोनों मित्रों ने सुनी तो वो सोचने लगे कि यार ये क्या सत्य बात है, हमें देखना चाहिए इसको। तो प्रातः काल हुआ, जब दिन निकला तो तेली आया, और तेली ने आने के बाद उनको दोनों बैलों को और उस भैंसा को चारा डाल दिया। भैंसा ने चारा खाया, एक सानी चरी, और सानी खाने के बाद भैंसा गिर जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है, मर जाता है। तेली बड़ा दुखी हुआ कि मेरा भैंसा मर गया। दोनों मित्र कहने लगे यार बात तो इस भैंसा की सही थी, पर क्या ये बैल भी मरेगा, ये भी देखते हैं। तो देखिए श्रोताओ, तेली ने 2-3 घंटे अपना कोलू चलाया, और कोलू चलाने के बाद एक कसाई आ जाता है, और उसने तेली से कहा कि ये बैल बेचते हो आप? तो तेली कहने लगा ले जाइए, तो बताओ पैसे कितने हैं। तो तेली ने पैसे बताए, और उस कसाई ने जितने तेली ने मांगे थे एक भी पैसा नहीं घटवाया, मुंह मांगे पैसे दे दिए, और उस बैल को लेकर के चल दिया। दोनों मित्र कहने लगे कि देख कसाई भी आ गया और तेली ने बैल भी बेच दिया, पर चलते हैं देखिए इसको, क्या ये बैल मरेगा। श्रोताओं, जब जैसे ही कुछ आगे चले, उस गांव की सीम को पार किया, उसकी सीमा पर पहुंचे, तो वह बैल पछाड़ खाकर गिर जाता है और बैल का प्राणांत हो जाता है, मर जाता है बैल। श्रोताओं, अब तो उन दोनों मित्रों के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि देखिए मित्र, दोनों बातें करने लगे कि इस भैंसा ने तेली से कर्जा लिया था तो ये तेली के यहां भैंसा बना, इस बैल ने इस तेली से कर्जा लिया तो ये तेली के यहां बैल बना, और इस कसाई ने इस बैल से पैसे लिए थे तो वो भी चुका दिए, तो देखिए हम दोनों को इस सेठ के यहां या तो बैल बनना पड़ेगा या भैंसा बनना पड़ेगा। तो वो बोले कि क्या करना चाहिए, कि दोनों वापस चलते हैं और सेठ के यहां जाकर के इन पैसों को वापस सेठ को देंगे, और कह देंगे सेठ जी हमारी पैसों की व्यवस्था हो गई, आप इन पैसों को वापस जमा कर लीजिए, ले लीजिए। तो श्रोताओं, दोनों चल देते हैं और वापस लखीमपुर सेठ के पास आ जाते हैं। सेठ के पास पहुंचे तो सेठ देख करके कहने लगा कि भाई वापस क्यों आ गए, क्या बात है? कि सेठ जी आपने जो पैसे दिए थे हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु हमारे पास और पैसे आ गए, इसलिए हम आपको इन्हें लौटा रहे हैं, आप जमा कर लीजिए। सेठ जी ने अपनी बही देखी तो बही में लिखा हुआ था अगले जन्म के लिए। तो सेठ जी कहने लगे देखो भैया, यदि इस जन्म के लिए ले जाते तुम तो मैं इन्हें जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए कहा था, अब तो मैं इन्हें जमा नहीं कर सकता, अगले जन्म के पैसे किसी के वापस नहीं लेता हूं, वो सब उसे अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। जब वो ये बात सेठ की सुनी तो उन्होंने सेठ से कहा कि नहीं सेठ जी, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। सेठ अपना लेने पर अड़ा हुआ है और वो दोनों जबरदस्ती से देना चाहते हैं, परंतु सेठ ने वो पैसे वापस नहीं लिए। अब दोनों चल दिए, अपने घर को जा रहे हैं और विचार करते जा रहे हैं कि हमें यार इस सेठ का बैल बनना पड़ेगा, और ये सेठ डंडे मार मार कर एक एक पैसा का हिसाब लेगा, तो यार क्या किया जाए। दोनों सोच रहे हैं
चलते चले जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। एक जंगल पड़ा उनको और उस जंगल में एक चौराहा था। चौराहे पर दोनों जने बैठ जाते हैं। उस चौराहे पर वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि हमें सेठ के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और सेठ न जाने हमें कितनी यातनाएं देगा और तब ये पैसे चुकाएंगे। तो दोनों विचार कर रहे थे तो मन में विचार आया। एक जना बोला कि यार ऐसा कीजिए, जितना भी 10 लाख रुपया हमारे लिए सेठ ने दिया है उससे इस जंगल में देखिए कहीं पानी का कोई साधन नहीं है, यहाँ एक सुंदर तालाब बनवा देते हैं। दूसरा कहने लगा यार बात तो अच्छी कह रहा है। दोनों ने विचार विमर्श करके फैसला कर लिया और अड़ोस पड़ोस के गांवों में से मजदूर लाने लगे। मजदूर लाते और वहां तालाब खुदवाते। बहुत मजदूर लगे हुए हैं बड़ा सुंदर सा और गहरा तालाब खोदने के लिए। श्रोताओं, मजदूरों ने तालाब खोद दिया, चारों ओर से घाट बना दिए, सुंदर सुंदर सीढ़ियां बना दी गई, तालाब नीचे से भी पक्का कर दिया गया और चारों ओर से सपाट तोड़ दी गई, बड़ा सुंदर तालाब, और उस पर एक अपने लिए रहने के लिए कोटरिया बनवा ली, एक कोटरी बनवा ली, एक कमरे का निर्माण करवा लिया, उसमें दोनों रहने लगे। जो भी सेठ के यहां से पैसा लाए थे उस संपूर्ण पैसे को उस तालाब में लगा दिया। अब देखिए श्रोताओं, वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु आई तो चार रास्ते तो वह पहले ही थे, चारों रास्तों से पानी आने लगा और वो तालाब बिल्कुल लबालब भर गया, तालाब फुल हो जाता है। कुछ समय बाद तालाब से जो गंदगी आई थी वर्षा ऋतु के पानी के साथ वो बैठ जाती है नीचे और बिल्कुल स्वच्छ पानी उस तालाब में हो गया। अब उस तालाब का पता इधर उधर के गांव के लोगों को पड़ा तो वो अपने पशुओं को उसमें पानी पिलाने के लिए लाने लगे। परंतु वो दोनों मित्र जिन्होंने तालाब बनवाया था एक एक लाठी लेकर के उस तालाब की सुरक्षा करने लगे और जो भी कोई पानी पिलाने आता उसे दूर से ही भगा देते कि इसमें पानी पीने की मना है। श्रोताओं, अब तो इसकी सूचना आसपास के गांव में फैल गई कि एक इतना सुंदर तालाब बनवाया है किसी ने और बहुत सुंदर पानी है परंतु उस पर दो पहरेदार रहते हैं, वो पानी नहीं पीने देते। जो भी व्यक्ति आता, जो भी पशु आते, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता और भगा दिया जाता। गांव वालों ने मन में विचार किया कि ऐसा करते हैं, इनके पास 10-20 व्यक्ति मिलकर चलो कि ये पानी क्यों नहीं पीने देते, हमारे पशु इसमें पानी पी लेंगे तो अच्छा है, पानी की कमी है। तो 10-20 आदमी अड़ोस पड़ोस के गांव के मिलकर के उन दोनों के पास आ जाते हैं और कहने लगे कि भाइयों एक बात बताओ, तुम ये इतना सुंदर तालाब बनवाया है, इसमें आपने 10-20 लाख रुपए की लागत लगाई है, फिर भी आप इसमें पानी नहीं पीने देते क्यों? तो दोनों कहने लगे कि देखो भाई, ग्रामीणवासियों से, जो ग्रामवासी थे उनसे कह रहे हैं कि हम तो भैया लखीमपुर के लाखा सेठ के नौकर हैं, ये तालाब तो लखीमपुर के लाखा सेठ ने बनवाया है और उसका आदेश है कि किसी को पानी नहीं पीने दिया जाए। कुछ गांव के व्यक्ति कहने लगे ये तो गलत बात है सेठ जी की, पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता, कि भाई आप ऐसा करो उनसे अनुमति ले आओ और हम पानी के लिए छूट दे देंगे। तो श्रोताओं, 10-20-25 आदमी बड़े बड़े अड़ोस पड़ोस के गांव के मिलकर के लखीमपुर के लिए चल देते हैं और पहुंच जाते हैं लाखा सेठ के पास। लाखा सेठ बैठा हुआ था और जब उसने इतनी भीड़ को आते हुए देखा तो सेठ जी सोचने लगे कि कोई गलती हो गई मुझसे, ये लोग कहीं मुझे मारे नहीं। तो श्रोताओं, सेठ जी दूर से ही उनसे राम राम करने लगे और हालचाल पूछने लगे। उनको बड़े सम्मान सहित सेठ ने अपनी ऑफिस में बैठाया और सेठ जी ने उनसे आने का कारण पूछा तो वो गांव के तो वैसे ही क्रोध में थे, कहने लगे यार सेठ जी तुमने ऐसा सुंदर तालाब बनवाया है परंतु देखिए कितने निर्दयी है तुम, उसमें किसी को पानी नहीं पीने दिया जाता,
सेठ कहने लगा कि भैया मैंने कोई तालाब नहीं बनवाया है। कि वह सेठ जी क्यों नहीं बनवाया है? आपके नाम का तालाब है, आपके नाम का बीजक लगा हुआ है और आपने दो नौकर रख रखे हैं उस पर, जो कि किसी को पानी नहीं पीने देते। सेठ कहने लगा कि भाई मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग पहले से ही पानी पीते, मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मना नहीं होती। कि नहीं सेठ जी, आपके नाम से तालाब है और वो व्यक्ति आप ही का नाम ले रहे थे। सेठ जी कहने लगे चलिए मैं चलकर देखता हूँ। तो सेठ जी स्वयं उन ग्रामीणों के साथ चल देते हैं और आ जाते हैं उस तालाब पर। सेठ ने दूर से तालाब को देखा तो इतना सुंदर तालाब था, चारों ओर से बड़ी सुंदर सीढ़ियां, बड़े सुंदर घाट बने हुए थे, पशुओं के लिए बड़े सुंदर उतार बने हुए थे, चढ़ाव बने हुए थे और दोनों वो लठ लेकर के उस तालाब की सुरक्षा रखवाली कर रहे थे। सेठ ने देखा कि तालाब पर जो बीजक लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ था निर्माणकर्ता लाखा सेठ लखीमपुर। तो सेठ ने बीजक पढ़ करके उनको बुलाया, उन दोनों व्यक्तियों को, और उनसे कहने लगा कि भाई ये तालाब में तुम पानी क्यों नहीं पीने देते? क्या कारण है आपने ये तालाब बनवाया है और मेरे नाम से क्यों बनवाया है? तो वो दोनों कहने लगे उन गांव वालों के साथ, जो गांव के व्यक्ति भी बैठे हुए थे, कि सेठ जी हम आपसे 10 लाख रुपए अगले जन्म के लिए लेकर आए थे, परंतु वो रुपए हम घर लेकर नहीं पहुंचे, उससे पहले हमारी व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को, उन रुपयों को आपको वापस देना चाहते थे, लेकिन आपने तो ये कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वो तो अगले जन्म में ही देना। तो सेठ जी हम इसी जन्म में देना चाहते थे, इसलिए हमारे मन में विचार आया और हमने उन पैसों से ये तालाब बनवा दिया। पैसे आपके थे इसलिए हमने आपका बीजक लगवा दिया। अब यदि आप हमें अनुमति दें कि वो पैसे हैं उनको माफ कर दें, उनको जमा कर दें कि आपके पैसे तालाब में लगा दिए, आप अनुमति दें हमें कि इन पशुओं को पानी पिलाने दिया जाए, तो हम पानी पिलाने दे सकते हैं, नहीं तो हम किसी को इसमें पानी पीने की तो क्या पैर भी नहीं रखने देंगे। सेठ ने सोचा हुआ बड़े दिमाग से काम लिया है। गांव वाले कहने लगे कि सेठ जी ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने देखो कितना सुंदर तालाब बनवाया है, आप इनसे जो कुछ कहना है वो कह दीजिए। सेठ जी कहने लगे फिर भी कि भाई मैं अगले जन्म के पैसों को तो माफ नहीं करता। तो वो दोनों कहने लगे कि देख लो सेठ जी, तुम माफ मत करो और हम किसी को पानी नहीं पीने देंगे। अब आपके नाम से सोच लीजिए कितना अपराध हो रहा है, इस पाप का भागी कौन होगा? सेठ जी के दिमाग में बात आई और कहने लगे भैया ऐसा कीजिए, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा करता हूं, परंतु तुम इन गांव वालों को पानी पिलाने दीजिए, न जाने कितने पशु, कितने जानवर, कितने पक्षी पानी पीने के लिए इस तालाब पर आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हैं, मेरे से तो ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो दोनों बोले कि सेठ जी उन्हें जमा कर दो, अगले जन्म के पैसे हैं उनको। तो सेठ जी ने उन दोनों को साथ में ला करके अपने घर आए और उन पैसों को उनके सामने अपनी भई में जमा कर दिया। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से उन दोनों को ब्रह्मज्ञान जागृत हो गया। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम चाहे किसी का 1 रुपया भी लें, हमें वो 1 रुपया भी चुकाना पड़ेगा। यदि हम ये सोच करके बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है, तो देखिए श्रोताओं, निश्चित मान लेना उसको, जिसका पैसा खा रहे हो आप, उसके यहां आपको या तो पड्डा बनना पड़ेगा या बैल बनना पड़ेगा, या किसी भी कारण से कोई भी जन्म लेकर के आप उसके पैसों को चुकाओगे, 1 गुना नहीं 1000 गुना ब्याज देकर के चुकाओगे। ईश्वर के विधान में कोई गलती नहीं होती, उसके वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई जैक जुगाड़ नहीं चलता और कोई भी उसके यहां मिस्टेक नहीं होती। उसके यहां की तकनीक इतनी अच्छी है कि बड़े से बड़ा टेक्नीशियन फेल हो जाएगा,
लेकिन वहां कोई गलती नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाना, हो सके तो तुम्हारे पैसे भले ही कोई खा जाए। आप ईमानदारी से रहो, ईमानदारी फलती है। और यदि आपने किसी के पैसे खाए, नियत खोटी रखी, तो श्रोताओं मान लेना आप निश्चित है कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, ब्याज सहित चुकाने पड़ेंगे। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।